एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन, ये वर्ड तो तुमने काफी सुना होगा, जैसे ईयरबड्स हो गए, हेडफोन्स हो गए, आजकल बड़ा कॉमन सा ये वर्ड है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी इंडिया में बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे दिल्ली के सरोजिनी नगर में घूम रहे हो या इंदौर में छप्पन सराफा पे अगर आप भटक रहे हो, तो वहां पर अगर आप म्यूजिक सुन रहे हो तो दिक्कत आती है, क्योंकि नॉइज बहुत है, शोर शराबा बहुत है। अब ये ANC वाली जो टेक्नोलॉजी है, ये आपको बड़े काम में हेल्प करती है, जब अगर आप म्यूजिक सुन रहे हो एकदम शांतिप्रिय तरीके से। अब यहाँ पर जो ये ईयरबड्स आए हैं नॉइस के, बड्स VS102 Pro करके, ये क्लेम कर रही है कंपनी की इंडिया के सबसे चीपेस्ट ANC वाले ईयरबड्स हैं। अब क्या ये वैल्यूएबल है और क्या ये वर्थ है, वो तो हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे, बट भाई अगर कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब डब्बे पे नजर डालेंगे, डब्बे आपको बढ़िया सी ब्रांडिंग वगैरह देखने को मिलती है, पीछे कुछ की हाइलाइट्स वगैरह दे रखे हैं। कंटेंट पैकेज में आपको मिल जाएगी बढ़िया सी वारंटी कार्ड, एक मिल जाएगी आपको मैनेज जो सारी इन्फॉर्मेशन देती है, बाकी हम बैठे हैं आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए। एसेसरीज में मिल जाती है आपको यहाँ पर एक चार्जिंग केबल टाइप सी वाली और एक्स्ट्रा सिलिकॉन के एयर टिप्स आपको यहाँ पे दे रखे हैं। आते हैं देखो सीधे डिवाइस को लेके, तो ये वाला जो मेरे पास कलर है ना, ये डुअल टोन में आपको देखने को मिलता है। इन्होंने कुछ ऐसे प्लेन वाले कलर भी रखे हैं, जैसे ब्लैक आपको मिल जाएगा फुल ब्लैक, ये वाला कलर जो है आपको दो अलग अलग कलर में देखने को मिलता है, ऊपर की तरफ थोड़ा सा ग्रीनिश है, नीचे थोड़ा सा ब्लैकिश इन्होंने यूज कर रखा है, दिखने में अच्छा फील दे रहा है, कुछ नया ट्राई इन्होंने किया है यहाँ पे कलर्स के साथ में। अब ये है कि ये ग्लॉसी फिनिश में, अब ग्लॉसी फिनिश वाली चीज का दिक्कत ये आती है ना कि आप अगर पॉकेट में रख रहे हो चाबी वगैरह के साथ में या कहीं भी रखोगे ना, तो ये स्क्रैचेस बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं और दिखते हैं, विजिबल ज्यादा रहते हैं कंपेयर टू मैट फिनिश वाले। अब यहाँ भी वही आपको दिक्कत आएगी। अब बॉटम में फिजिकली देखोगे तो आपको यहाँ पे टाइप सी का पोर्ट देखने को मिल जाएगा, एक आपको बैटरी इंडिकेशन दे रखा है, हिंजेस वगैरह हैं, मैग्नेट्स वगैरह दे रखे हैं जो कि प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, और चिप फील नहीं हो रहा है प्लास्टिक, मतलब बढ़िया जो क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं आपको सही मिल जाती है। अब यहाँ पर जो ईयरबड्स हैं वो आपको बिल्कुल वैसे देखने को मिलता है जैसे कि VS102 थे, बिल्कुल एक फ्लाई बर्ड टाइप के डिजाइन में देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे ग्रेडियंट का हल्का सा इन्होंने यूज कर रखा है, और जो फिटिंग है मेजरली जो मेरे को पिछली बार पसंद आई थी, अगर आप इसे वर्कआउट कर रहे हो, रनिंग के लिए जा रहे हो, तो हाँ इन ईयरबड्स को पहन के आप डेफिनेटली कर सकते हो, और जैसे हेड शेक वगैरह करोगे ना तो ये कान से गिरते नहीं है, तो नो डाउट फिटिंग वगैरह आपको बढ़िया मिल जाती है, लाइट वेट है, तो लंबे समय तक आप इसको जो इस्तेमाल भी कर सकते हो। बट एक बड़ा सवाल जब आता है कि आपको कनेक्टिविटी कैसे मिलने वाली, क्योंकि काफी सारे लेटेस्ट वर्जन ब्लूटूथ के अवेलेबल हो गए, इस वाले ईयरबड्स में भी आपको ब्लूटूथ 5.3 देखने को मिलता है, और कनेक्टिविटी के मामले में सच में बहुत सरप्राइज हुआ, क्योंकि 10-15 meters की रेंज में कभी कभार क्या होता है कि वॉल आती है बीच में, तो होता क्या है कि जो आपका म्यूजिक है वो ब्रेक होने लगता है, बट इन ईयरबड्स के साथ मुझे वह प्रॉब्लम नहीं आई है, बहुत प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहे थे। साथ ही साथ ये हाइपर सिंक टेक्नोलॉजी भी देते हैं आपको, तो अगर इनकेस अगर आपने एक बार कनेक्ट कर लिया है तो दोबारा कनेक्ट करने के लिए आपको बस आपका ब्लूटूथ ऑन रखना है और फटाक से ये कनेक्ट हो जाते हैं, बस केस से बाहर निकालो और आपके ईयरबड्स कनेक्ट हो जाते हैं, तो वो भी सही चीज़ मिल जाती है। बट यहाँ पर जो बैटरी वाला कंसर्न है वो काफ़ी लोगों के लिए मैटर करता है, तो यहाँ पर 400 mAh की बैटरी आपको केस में देखने को मिलती है, जो कि मेरे हिसाब से यहाँ पर बहुत अच्छी है, और आपको जो बैटरी परफॉर्मेंस है वो काफ़ी तगड़ी देखने को मिल जाती है। 40 hours का क्लेम है कंपनी का कि 40 घंटे तक आप बैटरी परफॉर्मेंस यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट यहाँ पर दो चीज़ें हैं, क्योंकि ये एक ANC ईयरबड्स हैं, तो ANC वाले मोड में यूज़ करोगे तो इसकी बैटरी परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम हो जाती है, जो कि अराउंड 32 hours की हो जाती है विद द केस। वहीं सिंगल चार्ज की अगर आप बात करते हैं तो सिंगल चार्ज में यहाँ पे 6 घंटे चलेगा एट 70% ऑफ वॉल्यूम इन नॉन ANC मोड। अगर आप ANC मोड यूज़ कर रहे हैं तो 4-5 घंटे की परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एक सिंगल चार्ज में। बट यह टाइप सी पोर्ट प्रोवाइड कर रखा है, बट फास्ट चार्जिंग में यहाँ आप मैक्सिमम 10 watt का चार्जर ही यूज करना, क्योंकि इन ईयरबड्स में दिक्कत क्या आती है, सब इनको कंटिन्यूसली अगर फास्ट चार्जर से यूज करोगे चार्ज करोगे तो इनकी जो बैटरी लाइफ है वो डिग्रेड होने लग जाती है, लंबे समय में आपको फिर उतनी परफॉर्मेंस ही देंगे नहीं, तो 10 watt का मैक्सिमम चार्जर यूज करना। इंस्टा चार्ज टेक्नोलॉजी जरूर इन्होंने दे रखी है, जो कि बहुत काम आती है, क्योंकि ये फटाफट चार्ज हो जाते हैं, अगर आप 10 मिनट के लिए इसको चार्जिंग पे लगा रहे हैं तो आप 150 मिनट तक इसको जो है कंटिन्यूसली यूज कर पाएंगे। अब ये देखो बैटरी वगैरह की तो बात काफी अच्छी तरीके से हम लोगों ने कर ली यहाँ पर एक सवाल ये होता है ना कि आप वर्कआउट कर रहे हैं IPX रेटिंग क्या मिलने वाली है, क्योंकि स्वेट वगैरह आ रहा है, हल्का फुल्का सा स्पैश लग रहा है, तो वहां पे क्या सिनेरियो है, तो ये ईयरबड्स आते हैं IPX5 रेटिंग के साथ में, जो कि कहीं ना कहीं इसको बेहतर बनाते हैं, और नॉर्मल स्वेट वगैरह है या हल्का फुल्का स्प्लैश वगैरह लग रहा है तो वहां तो आपकी ईयरबड्स सर्वाइव कर जाएंगे, बट आप बिल्कुल पानी वगैरह में सब डुबो दोगे या कुछ कर दोगे तो फिर तो ये खराब डेफिनेटली होना ही है। अब आते हैं इसके मेजर पॉइंट को लेके, जिसको आप जानने के लिए बहुत इच्छुक है, तो ये साउंड क्वालिटी के मामले में कैसे परफॉर्म करने वाले। 11 mm के ड्राइवर्स इन्होंने यूज कर रखे हैं। अब 11 mm के ड्राइवर मेरे से इनफ है, मोर देन इनफ आपको ड्राइवर साइज यहाँ पे देखने को मिला था, और परफॉर्मेंस में मुझे ऐसे कॉम्प्रोमाइज कुछ नहीं लगा। अगर आप ड्राइवर की क्लैरिटी को लेकर बात करते हैं काफी बढ़िया आपको मिल जाते हैं, स्टीरियो सेपरेशन काफी अच्छा है, और जो बैकग्राउंड और फोरग्राउंड का जो सेपरेशन है वो भी बहुत अच्छा आपको मिलता है, तो ऐसे ट्रेबल से तो मुझे कोई कंप्लेन यहाँ पे रही नहीं। बेस को लेकर मैं कहना चाहूंगा कि बेस उतना ज्यादा हेवी नहीं है, आपको पंचनेस कम देखने को मिलेगी, बहुत मतलब सूदिंग सा पंच आपको
आपको देखने को मिलता है बेस का यहाँ पे। तो ये है कि अगर कोई हेवी बेस लवर वाले भी हैं जिनको तगड़ा बेस चाहिए तो हाँ, उनके लिए फिर ये ईयरबड्स उतने काम के नहीं है, क्योंकि नॉर्मल बेस आपको देखने को मिलता है। और मेरे हिसाब से लाउडनेस ऑप्टिमाइजेशन एक बढ़िया चीज़ है कि अगर आप 100% में सुनोगे तो आपको ये उतने ज़्यादा कान में चुभेंगे नहीं या इरिटेट नहीं करेंगे, डिस्टॉर्शन वाली चीज़ आपको साथ होगी नहीं यहाँ पे। तो उस मामले में तो ये ईयरबड्स डेफिनेटली अच्छे मोर देन यूजर्स को, तो साउंड क्वालिटी मेरे हिसाब से पसंद नहीं आने वाली। हाँ, बेस अगर आपका मेजर थोड़ा सा कंसर्न है तो फिर आपके लिए दूसरे ऑप्शंस डेफिनेटली मार्केट में अवेलेबल हैं। अब यहाँ पर जो इन्होंने ANC वाली टेक्नोलॉजी यूज कर रखी है उसका कितना इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि नॉर्मल सुनने तो ठीक है, बट यहाँ पर जो ANC मोड है उसमें जाकर आप सुनेंगे तो 25 डेसिबल की जो नॉइज है सराउंडिंग में उसको ये रिड्यूस करते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक चीज नोटिस करी कि काफी कम डेसिबल की नॉइज रिड्यूस करते हैं और उतना ज्यादा इंपैक्ट ट्रूली आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये है कि हल्के फुल्के जैसे कि AC की नॉइज़ है या आपके PC के फैन की नॉइज़ है तो वो आपको यहाँ पे सुनाई नहीं देगी। बाकी अगर कुछ हेवी नॉइज़ वाला ऑप्शन कुछ चल रहा है आपके आसपास में, ऑपरेट हो रहा है, तो डेफिनेटली आपको उसकी आवाज़ सुनाई देगी। हाँ, तो मिनिमम एक आपको यहाँ पे नॉइज़ कैंसलेशन देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे उन्होंने ट्रांसपेरेंसी मोड वाली चीज़ भी दे रखी है जो कि मेरे हिसाब से उतना ज़्यादा कंसर्न नहीं रखता। अगर आप फुल वॉल्यूम पे गाने सुनोगे ना तो आपको डेफिनेटली आसपास से कुछ भी सुनाई नहीं देने वाला, क्योंकि ये सिलिकॉन वाले ईयरबड्स हैं। ऑटोमेटिक सक्शन क्रिएट कर लेते तो सराउंडिंग की यूं ही आपको आवाज़ कम आती है। अब यहाँ पे उन्होंने ट्रांसपेरेंसी मोड दे तो रखा है, बट अगर आप 10% या 20% में सुनोगे तो ही आपके काम का आने वाला है। अरे, जो बहुत बढ़िया बात मुझे क्या लगी इन ईयरबड्स के साथ में कि इन्होंने गेमिंग वाले चीज को छोड़ा नहीं है। तो क्या होता है, बहुत सारे फोकस्ड ईयरबड्स बनाने की कोशिश करते हैं, अब यहाँ पर इन्होंने प्राइसिंग को ध्यान में रखते हुए गेमिंग वाला ऑप्शन भी दे रखा है। तो 40 ms की आपको लो लेटेंसी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, तो आप मल्टीपर्पज रूप से इसको यूज कर सकते हैं। म्यूजिक ही नहीं, मूवी नहीं, आप गेम खेलना चाहते हैं तो इन ईयरबड्स को उसके लिए भी खरीद सकते हो। अब काफी सारी हमारे युवा पीढ़ी है जो भैया फोन पे से बातचीत करना बहुत पसंद करती है, तो उनके लिए ये वाली जो चीज है भाई काम आने वाली, क्योंकि ये कॉर्ड माइक्रोफोन का यूज करते हैं। अब कॉर्ड माइक्रोफोन का यूजेज है तो आपकी जो सराउंडिंग की नॉइज है उसको ये कैंसिल करते हैं जब भी आप किसी से फोन पे बात कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप इसको पहन के यूज कर सकते हो और तुम्हारे साथ किसी से झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारी आवाज एकदम बढ़िया जाएगी सामने वाले को। और मैंने टेस्ट भी कर रखा है इसका, तो उसको चेकआउट कर लो। तो क्या जो आप सुन रहे हो आरियन ईयरबड्स के थ्रू कुछ इस तरह की परफॉर्मेंस आउटडोर में देंगे, जब दोस्तों से फोन वगैरह बात कर रहे हो, गेम में कुछ बातचीत हो रही होगी, तो क्वालिटी सामने वाले को ऐसी जाएगी। बाकी डिवाइस में आपको कोई टच वगैरह देखने को मिलता है, आप टच फंक्शन में जो खास चीजें आपको ध्यान रखने वाली, जैसे कि अगर गेमिंग मोड में जाना चाहते हैं, आप गेमिंग मोड में जाना तो लेफ्ट वाले ईयरबड्स को आप 2 सेकंड के लिए टच करके होल्ड करो तो गेमिंग मोड में चले जाओगे। वहीं अगर आपको यहाँ पे जो मोड दे रखे ना, जैसे ट्रांसपेरेंसी वाला मोड हो गया, ये ANC वाला मोड हो गया, इसको अगर तुमको स्विच करना है तो यहाँ पे करना पड़ेगा राइट वाले ईयरबड्स को टच करके होल्ड 2 सेकंड के लिए, तो आपको ऑटोमेटिकली ऐसे प्रॉम्प्ट सुनाई देगा और उसके बाद आपको मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ पे मोड जो है स्विच हो गए। बाकी तो वही आपके बेसिक फंक्शन मिल जाएंगे, जैसे कि प्ले पॉज हो गया, ट्रैक्स फॉरवर्ड करना है, बैकवर्ड करना है, तो वो जो रेगुलर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब आते हैं इसके फाइनल कंक्लूजन को लेके। अब प्राइसिंग जो इनकी इनिशियल ऑफरिंग है वो आपको मिलने वाली है 1800 रुपये। 1800 रुपये के इसको प्राइस पॉइंट पे लॉन्च कर रहे हैं, कुछ दिन के लिए ही ऑफर रहने वाला, उसके बाद प्राइसिंग जो है इसकी बढ़ के 2000 रुपये हो जाएगी। अब 1800 रुपये के प्राइस पॉइंट में कॉम्पिटिशन में आप देखेंगे तो जैसे बोट एडस 441 हो गए, बोल्ट के मैवरिक वगैरह आते हैं और भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जो कि ANC वाला फीचर आपको एज सच उतना ज्यादा प्रोवाइड नहीं करते। 441 ANC वाला एक ऑप्शन है, उसमें आपको मिल जाएगा, पर वो 2500 के आसपास समथिंग पड़ता है। ये एक आपको ऑप्शन प्रोवाइड कर रहे हैं मेरे हिसाब से, अगर आपको पसंद आ रहे हैं, क्योंकि ऐसे मैंने आपको बताया कि ANC कुछ इतना ज्यादा इंपैक्टफुल नहीं है, बट आपको मिनिमम ANC वाली चीज देखने को मिल जाती है यहाँ पे। और अगर आपको थोड़ी बहुत चीजें पसंद आई हैं ईयरबड्स में जो कि फीचर वाइज है, तो हाँ डेफिनेटली आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको समझ में आया है तो इसकी लिंक जो है बेस्ट बाय मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। बाकी जाते थे बस इतने कहूंगा, देखो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो एक लाइक बढ़िया सा बनता है और कमेंट आपका प्यारा वाला, क्योंकि जब भी ऐसा कमेंट वमेंट आता है ऐसा खुशी मिलती है और हमें थोड़ा मोटिवेशन भी मिलता है। कुछ सवाल है, कुछ डाउट है ईयरबड्स को लेकर, तो वो भी आप मुझसे कर सकते हैं। और हमारे सोशल मीडिया पर फॉलो नहीं करते तो वहां भी आप फॉलो करके हमें वहां पर्सनल DM भी करोगे तो हम आपको रिप्लाई करेंगे। बाकी मैं इतने कहना चाहूंगा, अगर सब्सक्राइब कर दोगे तो बहुत ही अच्छी बात है। बाकी मिलते हैं चल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सिटन रहिएगा इंदौरी एक्सप्लोरर के साथ।